वोल्टेज गेन ऑफ है एम्पलीफायर विथ 9% निगेटिव फीडबैक। ये देखना, ये क्वेश्चन जो है वो बच्चे डाउट में लेके आते हैं, जब भी हम लोग पढ़ाते हैं तो ये क्वेश्चन डाउट में आता है, इसके पीछे रीजन क्या है मैं बताता हूँ। वोल्टेज गेन ऑफ है एम्पलीफायर इज 9%, वोल्टेज गेन 9% है, मतलब 9/100 वोल्टेज गेन को अगर मैं किसी मतलब वीजी से डिनोट कर देता हूँ तो ये वोल्टेज गेन 9% 9/100 है, एंड निगेटिव फीडबैक इज 10 है। तो निगेटिव फीडबैक यहाँ दिया हुआ, वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक, ठीक है समझना, तो वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक, तो ये कहाँ, ये फीडबैक सर्किट कहाँ यूज होता है, जब हम एलसी ऑसिलेशन पढ़ते हैं या और जब यहाँ तुम एलसी ऑसिलेशन तुम्हारे सिलेबस में है तो एलसी ऑसिलेशन पढ़ते हो, ऐसा नहीं कि एलसी ऑसिलेशन ही होता है, ये अभी हमारा ये टैंक सर्किट होता है, आरसी ऑसिलेशन भी होता है और बहुत टाइप के इस टाइप से है, तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ से एम्पलीफायर लग जाता है, ये एम्पलीफायर होता है और इस एम्पलीफायर की जो यहाँ से आउटपुट है, यहाँ से इनपुट है, यहाँ एक फीडबैक सर्किट होती है इसकी, यहाँ से इसको हम कनेक्शन दे देते हैं तो ये जो फीडबैक, ये जो है फीडबैक सर्किट होती है। तो जब एलसी ऑसिलेशन पढ़ते हैं तो इसके आउटपुट को एम्पलीफायर को इसके इनपुट से जोड़ देते हैं तो ये फीडबैक सर्किट देती है, और फीडबैक निगेटिव भी होता है, फीडबैक पॉजिटिव भी होता है, मतलब ये जो आउटपुट है इधर जाके फेज चेंज निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब होता है फेज चेंज या तो जीरो हो जाएगा या तो फेज चेंज पाई हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव निगेटिव फीडबैक होता है। तो यहाँ से दो फार्मूले बनते हैं, उनको आप याद कर लो, आपको जनरली क्यों डाउट में आता है क्योंकि ये कोई टीचर जल्दी पढ़ाता नहीं है फार्मूला। तो यहाँ से पॉजिटिव फीडबैक तो ये फार्मूला आप लिख लो, डिराइव तो नहीं कर पाएंगे, इतना टाइम नहीं है। तो पॉजिटिव फीडबैक वोल्टेज गेन विथ फीडबैक इज इक्वल टू वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक एंड वन माइनस बीटा कितने टाइम्स एम्पलीफाई हो गया, कोई एम लिखता है और ये ए भी क्या है, जो ये वाली जो चीज़ है, दिस इज द वोल्टेज गेन विथ फीडबैक, दिस इज द वोल्टेज गेन, यहाँ लिख लो वोल्टेज गेन विथ फीडबैक ये वाली चीज, और ये जो चीज़ है ए भी जो है विदाउट फीडबैक वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक, यहाँ से मैं लिख देता हूँ वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक और वोल्टेज गेन विथ फीडबैक, ये फार्मूला माइनस एम क्या है, कितने टाइम्स एम्पलीफाई हो गया, कोई लोग इसको बीटा से भी डिनोट करता है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, ए बी इज इक्वल टू वन माइनस बीटा और ए बी, ठीक है। तो ये फार्मूला आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ये तब लगेगा जब पॉजिटिव फीडबैक हो, पॉजिटिव फीडबैक मतलब इनपुट यहाँ से जो यहाँ और इसमें और इसमें जो फीडबैक दिया गया, जो सिग्नल यहाँ से आया और जो इधर गया उसमें जो फेज चेंज है डेल्टा फाई दैट इज जीरो, अगर फेज जो चेंज है वो जीरो है तो पॉजिटिव फीडबैक है, ये फार्मूला लगाएंगे। अब अगर बात करते हैं निगेटिव फीडबैक की, तो निगेटिव फीडबैक का फार्मूला जो हमें अभी चाहिए, निगेटिव फीडबैक यहाँ से मुझे मिल जाएगा प्यारे बच्चों, फेज चेंज जो होता है वो पाई होता है या 180 डिग्री, तो जब पाई और 180 डिग्री होता है जो कि अभी हमें चाहिए, तो एम्पलीफिकेशन विथ फीडबैक इज इक्वल टू एम्पलीफिकेशन विदाउट वोल्टेज एम्पलीफिकेशन विदाउट फीडबैक और वन, और ये माइनस की जगह प्लस हो जाता है और बीटा दैट इज ए वी, तो ये अभी फार्मूला हमारे पास लगेगा, ठीक है। इसका डेरिवेशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा तो हम कभी करेंगे इसको डाउट, या अभी ये डाउट क्लास है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये अभी ए भी पूछा जा रहा है और ये निगेटिव फीडबैक दिया हुआ है, कितना है देखो, इसमें वैल्यू रख दो, ये कहता है निगेटिव फीडबैक 10 है, एम्पलीफिकेशन 9/100 है, तो ये वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक, मतलब ये भी पूछ रहा है,
तो ये आ जाएगा, ये 10 है और ये आ जाएगा ए भी पूछा जा रहा है, और ए 1 प्लस ये 9/100 आ जाएगा, दैट इज ए बी। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10/100 ए बी यहाँ से, और ये आ जाएगा 100 प्लस 9 ए बी इसको। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके देखो ये कितना आ जाता है, इधर आ जाएगा 1000 और प्लस ये 90 ए बी, दैट इज इक्वल टू 100 ए बी। तो यहाँ से 100 ए बी, तो यहाँ से 1000 इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा 10 ए बी, तो ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 100 आ जाएगी। तो अगर 100 का मतलब होता है कि 100 टाइम्स वोल्टेज एम्पलीफाई होगा विदाउट फीडबैक, और विद फीडबैक 10 टाइम्स एम्पलीफाई होगा, और विदाउट फीडबैक 100 टाइम्स होगा, मतलब ज़्यादा होगा, और फीडबैक सर्किट के साथ एम्पलीफिकेशन कम होगा। तो ये चीज़ जो है हमने सीख लिया, मतलब इसका जो फाइनल सोल्यूशन है वो 100 है। तो इसलिए ये दोनों फार्मूले लगा दिए कि कभी अगर फ्यूचर में आता है, या कभी कभी फेज से ही क्वेश्चन आ जाता है कि पॉजिटिव फीडबैक में कितना फेज चेंज होता है, निगेटिव फीडबैक में कितना फेज चेंज होता है, तो आप डायरेक्ट इसे कर सकते हो। चलो, कहता है पीएन डायोड मेड फॉर